समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई कटते क्यों है? क्योंकि जो 1% लोग है जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते नहीं कि तुम आओ, वो चाहते नहीं कि तुम्हें अमीर होने का एक जो जादुई तरीका है वो पता लगे, समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज जो है ना जादुई है, लेकिन उसमें जादू वो अगर आपको जिन वाला वो जो यू नो रब करने वाला वो चाहिए अगर आपको, तो आपको उसे पाना भी पड़ेगा, उसके लिए थोड़े बहुत रिस्क है। तो वो जानते हैं कि जो 99% जनता हिंदुस्तान की उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है, वो डरते हैं, डर है अंदर पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है घर पे पार्टी है, वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे। देखो और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। ऐसा हमें करना नहीं है। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल से मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम अ गुड इन्वेस्टर, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। सो मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने वहां से बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखी, अपने पैसों को बढ़ता देखा है। इतने अच्छे रिटर्न आपको FDRD से नहीं मिल सकते। राइट नाउ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें ऑलमोस्ट 30 से 40% की ग्रोथ है मेरी, 30-40%। मतलब अगर मैंने यहां पर आप सोचिए अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अभी मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं, मतलब मैं इतनी अच्छी, कोई भी नहीं देगा आपको इतने अच्छे ग्रोथ, कहीं नहीं मिलने वाली। सो रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है तो अपना जरूर क्या कर लें, अपना स्टडी जरूर करें, अपना रिसर्च जरूर करें।